क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम रानू मंसारे, ट्यूटर ऑफ इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज, टॉपिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसे हम RDS के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ठीक है, इंट्रोडक्शन. फर्स्ट थिंग हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो द टर्म रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आर मोस्ट ऑफन अप्लाइड टू द सीवियर लंग्स डिसऑर्डर इन न्यूनेट विच इज प्राइमरी रिलेटेड टू लंग्स इमेच्योरिटी. तो यह एक इट इज़ ए लंग्स डिजीज. ठीक है, यह एक फेफड़ों की बीमारी होती है. यह फेफड़ों की बीमारी होती है, RDS प्रीमैच्योर बेबी में अक्सर पाया जाता है. ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर डायबिटीज से सफरिंग करने वाली जो मदर्स होती है उनके बेबीज़ जो होते हैं उनमें प्रॉपर तरह से लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज से जो सफरिंग कर रही मदर्स जो होती है उनमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा होता है. इस बढ़े हुए इंसुलिन में बढ़े हुए इंसुलिन के कारण बॉडी में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो जाता है. ठीक है, जिसके कारण बच्चों के लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते हैं. ठीक है, यह सबसे ज़्यादा न्यूनेट में देखने को मिलता है. ठीक है, प्राइमरी रिलेटेड टू लंग्स इमेच्योरिटी. लंग्स इमेच्योरिटी होती है. ठीक है, तो लंग्स प्रॉपर नहीं बन पाते हैं. अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस. तो डेफिनेशन में आएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ए सिंड्रोम ऑफ प्रीमेच्योर न्यूनेट्स दैट इज करेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव एंड यूजली फिटल रेस्पिरेटरी फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम एटलेक्सिस एंड इमेच्योरिटी ऑफ लंग्स. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ए सिंड्रोम ऑफ प्रीमेच्योर न्यूनेट्स. जो प्रीमेच्योर न्यूनेट्स होते हैं जो 37 वीक्स से भी कम में हो गए या 37 वीक्स के पहले ही हो गए होते हैं, तो इसलिए बेबी में क्या देखने को मिलेगा कि उनके लंग्स प्रीमेच्योर नहीं हो पाते हैं. ठीक है, लोअर थर्ड बेबी जो होते हैं क्या उनमें यह डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है, उनमें RDS देखने की हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, रिजल्टिंग फॉर अटेलेक्टिस एंड इमेच्योरिटी ऑफ लंग्स. ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनके लंग्स नहीं बन पाते हैं जिसके कारण उनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, द ब्रीथिंग रेट इज़ यूजली मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट एंड और यूज ऑफ एसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन विच मे बे कंप्लेंट बाई ग्रंटिंग. ठीक है, तो इसमें हमको देखने को मिलते हैं कि जो मोर देन 60 पर मिनट होती है, अगर 60 बर्थ पर मिनट से मतलब जो रेस्पिरेशन उसका होता है वो 60 से अगर अबो हो रहा है तो ऐसे में बच्चे को हम लोग बोलेंगे कि ये नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं होता है. ठीक है, नॉर्मली माना गया है 60 तक नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है. अगर 60 से अबो जा रहा है तो बेबी नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है. ठीक है, तो सब सेकंड हम आएंगे, सेकंड पढ़ेंगे हम, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन स्टार्ट अराउंड 20 वीक्स ऑफ लाइफ इन पैकेज एंड 35 वीक्स देर फॉर एनी न्यूनेट्स लेस देन 35 वीक्स. ठीक है, और जैसे सिक्स आवर विथिन बर्थ. ठीक है, बच्चे की जो RDS या नहीं इसका पता RDS जो बच्चा होता है जब एट बर्थ तो उसका हम 6 घंटे बाद उसका हम पता लगा सकते हैं. 6 घंटे तक पता लग जाता है कि बच्चे में RDS है या नहीं. ठीक है, जन्म के 6 घंटों में पता लगाया जा सकता है. ठीक है, यानी कि बच्चे में जन्म के 6 घंटे बाद ही RDS के लक्षणों को शो कर दिए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो इन्फेंट जो बेबी होते हैं उनमें उनके या साइन और सिम्टम दिखते हैं कि फर्स्ट थिंग उसमें क्या दिखने को अपने को मिलेगा अगर RDS हो रहा है बच्चे को तो हम कैसे जानेंगे.
उसको कैसे हम पहचानेंगे। तो फर्स्ट आएगा इसमें हम टेकेपनिया, ठीक है, टेकेपनिया। सेकेंड आएगा एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग आएगा, इंस्पिरेशन रिटेक्शन आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट आएगा टेकेपनिया, तो टेकेपनिया में हम क्या रखेंगे, जो न्यू बॉर्न बेबी की बात की जाती है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी की बात की जाए तो उनका आर आर वो है 60 मिनट पर बर्थ से अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक हो जाए तो यह कंडीशन टेकेपनिया कहलाती है, ठीक है। पेशेंट अगर और 30 to 60 मिनट पर बर्थ नॉर्मल आरआर होती है, जो हम कह सकते हैं कि टेकेपनिया होना आरडीएस का पहला सिम्टम है। अगर 60 मिनट पर बर्थ से अधिक हो जाए या तो उसे हम क्या बोलेंगे कि बेबी टेकेपनिया में जा रहा है, ठीक है, या उसको आरडीएस की कंडीशन या आरडीएस का सिम्टम देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। और सेकेंड इसमें आएगा क्या, एक्सपिरेशन ग्रंटिंग। तो एक्सपिरेशन ग्रंटिंग में, एक्सपिरेशन ग्रंटिंग का मतलब यह होता है कि एक्सपिरेशन ग्रंटिंग जब क्या बच्चा एक्सपिरेशन करता है, मतलब कि जो सांस लेता है, तो उसका जो ग्लोटिस रहता है वो अचानक से बंद हो जाता है, ठीक है, उसका जो ग्लोटिस रहेगा वो अचानक से बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एक विशेष प्रकार का करकराहट का साउंड सुनाई देता है। इसी साउंड को हम एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग कहते हैं, ठीक है, यह साउंड हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है, ठीक है। अब हम सेकंड थर्ड पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन रिट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम, जब बच्चा एयर इनलेट करता है, जब बच्चा सांस लेता है अंदर की तरफ, तो एक्सपिरेट करता है, ठीक है, तो उस दौरान उसके जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है, उसके जब बच्चा सांस लेता है उसके दौरान जो उसके इंटरकोस्टल्स मसल्स होते हैं वो अंदर की तरफ खींचने लगते हैं, ठीक है, रिट्रैक्ट होने लगते हैं, यही कंडीशन इंस्पिरेशन रिट्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। तो आरडीएस में देर आर न्यूरल लेस देन 35 वीक्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ठीक है। प्रीमेच्योरिटी वही कि अगर बेबी 37 वीक से पहले ही बर्थ हो जाता है तो वो प्रीमेच्योर कहलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके लंग्स, बेबी का इसमें लो बर्थ वेट भी होता है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर उसका वीक रहेगा, जिसके कारण से लंग्स भी प्रीमेच्योर रहेंगे, लंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएंगे, वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, उसको O2 की नीड रहेगी, ठीक है। इसमें साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, बेबी को ब्लड में O2 की कमी, जिसके कारण किसी भी ऑर्गन, कहीं का भी ऑर्गन उसका नीला पड़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एस्पेक्सिया, तो इसे हम प्रीमेच्योरिटी कहते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे का प्रॉपर तरीके से लंग्स तो नहीं बन पाते हैं। अपेक्सिया, ठीक है, तो अपेक्सिया क्या होता है कि जब बर्थ के समय पेशेंट को, मतलब जो बच्चा रहता है उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम बोलते हैं एस्पेक्सिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया मतलब कि ठंडे आईवी फ्लूड का जाना, ठीक है, अगर ठंडा आईवी फ्लूड जा रहा है या बच्चा बहुत ज़्यादा ठंडे में रह रहा है, ठीक है, तो ऐसा ठंडी जगह का इस्तेमाल करने से भी मरीज जो होता है वो हाइपरथर्मिया का शिकार हो जाता है, ठीक है। मेटरनल एनीमिया मतलब कि जब कोई मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस दौरान उसका HP लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मैटरनल एनीमिया हो जाता है, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया क्या है, जो प्री एक्लेम्शिया किसे कहते हैं कि प्री एक्लेम्शिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो प्री वुमन में पाई जाती है, ठीक है, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमन में पाई जाती है, ठीक है,
जब किसी वुमन कोई जब कोई वुमन प्रेगनेंसी को 20 वीक्स जब किसी मतलब मान लो किसी प्रेग्नेंट है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है उसको 20 वीक्स हो जाते हैं या फिर उसकी फर्स्ट या सेकंड थर्ड सेकंड या थर्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि प्री एक्लेम्सिया सबसे ज़्यादा किस वीक में होता है तो प्री एक्लेम्सिया सबसे ज़्यादा 32 वीक में हो 32 वीक हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा होने की चांसेस होते हैं। जब कोई ह्यूमन प्रेगनेंसी कंसीव करती है या तो 32 वीक में उसे 80% चांसेस हो जाता है होता है कि प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। अब प्री एक्लेम्सिया में 3 साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो 3 साइन क्या होते हैं कि हाइपर टेंशन है ना, प्रोटीन यूरिया और एडिमा, ठीक है। ये 3 चीज़ें अपने को देखने पर को मिलेगी, ठीक है। सेकेंड हम आते हैं, सेकेंड हम पढ़ेंगे पल्मोनरी रिस्क फैक्टर। तो इसमें क्या है, निमोनिया। निमोनिया क्या है, निमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसीज ये किसे कहते हैं कि ये पर्टिकुलर केस इफेक्ट करेगी हमारे लंग्स, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी जो निमोनिया होगा वो एक रेस्पिरेटरी डिसीज होती है जो कि हमारे एकदम पर्टिकुलर हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो निमोथेरिक्स, ठीक है। सेकंड निमोथेरिक्स, ठीक है। निमोथेरिक्स मतलब लंग्स में इंफ्लामेशन या लंग्स के लेयर में इन्फेक्शन हो जाना या किसी जगह पे फ्लूड इकट्ठा हो जाना या जमा हो जाना एल्वेओली के अंदर, तो ये इसको निमोथेरिक्स कहते हैं हम, ठीक है। सेकेंड हमारा आएगा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ठीक है। तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो एक बेबी में इसकी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसी दौरान अगर कोई भी इस स्टार्टिंग या फंक्शनल स्ट्रक्शन या फंक्शनल डिफ़िकल्टी या एबनॉर्मलिटी एक बेबी के अंदर आ जाती है तो उस टाइप के डिसऑर्डर को हम कंजेनाइटल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ठीक है। अब हमारा सेकेंड है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर अपर वे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है या उसकी वजह से मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन या होता है या उसकी वजह से मीन्स जो लाइफ होती है वो क्या होती है थ्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। मीन्स क्या होगा कि पेशेंट की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। इस कंडीशन को क्या होगा कि विथ इन ए मिनट, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट होगा, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो मीन्स कि किसी भी पर्सन को अपर वे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या इसकी वजह से या इसके दौरान किसी भी बेबी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं हम नॉन पल्मोनरी रिस्क फैक्टर, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आएगा सेप्सिस, ठीक है। सेप्सिस यह एक बहुत ही घातक कंडीशन इन्फेक्शन है, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसको कि बहुत ही ज़्यादा घातक कंडीशन इन्फेक्शन होता है जो कि पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। यह रक्त में फैल जाता है तो कार्डियक अरेस्ट या डेथ भी हो सकती है, ठीक है। हमारे देश में 70% लोग सेप्सिस का शिकार हो जाते हैं, इसकी वजह से
यह इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है जिसकी वजह से उनकी अधिकतर डेथ हो जाती है। सेप्सिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो किसी भी बॉडी में या किसी भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। सेप्सिस चाहे ये लंग्स में हो या मांसपेशियों में हो, चाहे यह ब्रेन में हो, इवन ये एब्डोमिनन में भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी वजह से यह ब्लड और इसकी वजह से ब्लड में फैल सकता है, अगर किसी ये इन्फेक्शन लंग्स में हो जाता है तो जिसे हम निमोनिया और निमोनिया से सेप्सिस होना कोई आम बात नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे जो यह जो प्रेजेंट यह सेप्सिस होता है जो बर्थ या बिफोर बर्थ के बाद भी हो सकता है, ठीक है, एक्सपोज टू कॉल्ड, ठीक है, मतलब कि जन्म से पहले और जन्म के बाद भी हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक डिफेक्टेड, ठीक है। तो कार्डियक डिफेक्टेड, ठीक है। और सेकंड आएगा एक्सपोज टू कोल्ड, मतलब कि खांसी सर्दी, ठीक है, तो खांसी आएगी पेशेंट को, ठीक है। ऑब्वियसली लंग्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। हाइपोग्लासीमिया, जो हाइपोग्लासीमिया मतलब क्या होगा कि यह एक हाई रिस्क कंडीशन होती है जो कि एट बर्थ के टाइम पर न्यू बॉर्न बेबी में देखने को मिलती है। जब न्यूनेटल बेबी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है या कम देखने को मिले तो उसे हम बोलते हैं, इस कंडीशन को आप बोलेंगे कि न्यूनेट में हाइपरग्लासीमिया हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन का डिसऑर्डर यह है कि इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि आपका कोस कर सकता है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का लेवल लेस देन 40 mg/dL देखने को मिले तो ड्यूरिंग 30 days एट लाइफ, मतलब कि 3 दिन पहले या 3 दिन बाद, देखने 3 दिन बच्चे के बर्थ के 3 दिन बाद, ठीक, तो हम इसे बोलेंगे हाइपोग्लासीमिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी इन RDS द बेसिस, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिंड्रोम है उसमें एबनॉर्मिटी इज सर्पेंट डिफिशियंसी इज द लिप्रोटीन कंटेनिंग फास्फोलिपिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय टाइप सेकंड एल्वोलर सेल्स फॉर लंग्स एंड हेल्पर टू रिड्यूस सरफेस टेंशन ए एल्वोलर, ठीक है। पढ़ेंगे ड्यूरिंग एक्सप्रेशन अब्सेंस ऑफ सरफेस ऑफ टेंशन इंक्रीज एल्वोलाई कॉल्पस, ठीक है। ड्यूरिंग इंसुलेशन मोर नेगेटिव प्रेशर इन नीडिड टू कीप एल्वोलाई प्रेजेंट ड्यू टू ऑल दिस कंडीशन इंडिकेटेड ऑक्सीजन इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि जो ऑक्सीजन का नीड रहेगा इसको, ठीक है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, जो ब्रीथिंग का वर्क रहेगा वो इंक्रीज होगा। पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रक्शन राइट टू लेफ्ट शटिंग एकोर्स फॉर्मेन वोवेल क्लिनिकल फीचर्स टेकेपनिया मतलब टेकेपनिया मतलब फास्ट ब्रीथिंग, ठीक है। मोर देन 80 to 120 बर्थ पर मिनट डिस्पेनिया, ठीक है। डिस्पेनिया में इट मीन्स शॉर्टनेस ब्रीथिंग फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी हार्ट डिजीज की वजह से, ठीक है, मतलब कि RDS की वजह से शॉर्टनेस ब्रीथिंग रहेगी इसको, ठीक है। प्रोनाउंस्ड इंटरकोस्टल और सबटर्नल रिट्रैक्शन, ठीक है। फाइन इंस्पिरेटरी क्रैकल एबिलिटीबल ऑडिबल एक्सपिरेटरी ग्रंट, ठीक है, तो इसमें एक्सपिरेटरी ग्रंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है।
many patients as the disease progresses to apnea, facility absence, spontaneous movements, under responsive, deceased birth sound. ठीक है, तो डायग्नोसिस हम डायग्नोसिस देखेंगे अब हिस्टोरी टेकिंग हिस्टोरी करेंगे हम, फिर उसमें उसका बच्चे की मदर की हिस्ट्री लेंगे. ठीक है, कि मदर को पहले कोई सी डिसीज़ तो नहीं है, अस्थमा या फिर कि डायबिटीज मेलाइटिस है, किसी भी प्रकार की कोई डिसीज़ तो नहीं थी, या फिर उसका कौन सा डिलीवरी है, कौन सी डिलीवरी उसने कंसेस की है, तो अगर डिलीवरी कंसेस करने के दौरान उसको किस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, उसका HIV सारी रिपोर्ट्स हम लोग कलेक्ट करेंगे. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है, चेस्ट एक्सरे, ग्राउंड गॉस, अपरेंस. ठीक है, हम लोग एबीजी देखेंगे. ठीक है, एबीजी देखेंगे हम लोग चेस्ट एक्सरे, एबीजी में हम लोग एट्रियल ब्लड टेस्ट एनालिसिस किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है. एबीजी एट्रियल किया जाता है, इसमें PO2 मोर देन 40 mm पर HG और CO2 PCO2 65 mm HG pH हमको देखने को मिलेगा 7.7:50 होगी. ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमेट्री. ठीक है, इसमें हम लोग इसका पल्स चेक करेंगे, ऑक्सीजन चेक करेंगे. ठीक है, ये अगर पेशेंट को ऑक्सीजन का नीड तो नहीं है, ऑक्सीजन का अगर नीड रहेगा तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की नीड रहेगी. ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करवाएंगे. ठीक है, तो सेकेंड हम आप पढ़ रहे हैं आरडीएस के सिम्टोम, ग्राउंड ग्लास, एयर ब्रोंकोग्राफ्स, लो लंग्स वॉल्यूम. ठीक है, शेक टेस्ट, इट कैन बी डन ऑन द गैस्ट्रिक एस्पिरेट टू डिटरमाइन लंग्स मैच्योरिटी, मिक्स 0.5 ml ऑफ गैस्ट्रिक एस्पिरेट विथ 0.5 ml ऑफ एब्सोल्यूट एल्कोहल इन ए टेस्ट ट्यूब एंड शेक फॉर 15 seconds. फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इंडिकेट एक एडिक्यूट सर्फेक्टेंट एंड लेस चेंज डाउन्स स्कोर. ठीक है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन रेट मिनट. ठीक है, मोर देन 60 या 60 to 80. ठीक है, लेस देन 80 और अपनिया. ठीक है, साइनोसिस नील इन रूम एयर. ठीक है, प्लस एंटी इन 14% ऑक्सीजन, प्लस एंटी इन 14% ऑक्सीजन रिट्रेक्शन, नॉन माइल्ड मॉडरेट सीवियर ग्रंटिंग, नॉन एबिलिटी ऑडिबल विथ ऑडिबल, टोटल स्कोर इन नॉर्मल, इन्फेंट 0, माइल्ड 1 to 3, मॉडरेट 4 to 6, सीवियर 4, 7 to 10. ठीक है, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, न्यूनेट्स सस्पेक्टेड टू हैव आरडीएस नीड टू ट्रीट इन NIC. सबसे पहले अगर पेशेंट को आरडीएस रहता है तो हमें, जैसे कि मैंने बताया था कि एट बर्थ हमें 6 hours में या 3 hours में हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को आरडीएस है, तो उसको तुरंत हमको NIC शिफ्ट करना चाहिए, उसको NIC की नीड रहेगी. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन IV फ्लूड एंड ऑक्सीजन स्टार ऑक्सीजन थेरेपी 4 to 6 liters per minute. पेशेंट को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. ठीक है, उसको फ्लूड स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन का नीड रहेगा उसको, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी होगी, तो हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे और ऑटो हम उसको रखेंगे 4 to 6 liters per minute पर.
मेंटेन्स ऑक्सीजन सेचुरेशन बिटवीन 99 to 95%। ठीक है, उसका जो सेचुरेशन है वो ऑक्सीजन को ऐसे मेंटेन रखेंगे हम कि उसका जो ऑक्सीजन जो सेचुरेशन वो 90 to 95% रहे। ठीक है, ठीक है, हम पढ़ेंगे मेडिसिंस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है, कार्टिमेक्सोल एंड प्रोकल पेंसिलिन यूजली गिविन फॉर 7 to 10 days। ठीक है, म्यूकस रिलैक्सेंट, पेन क्यूरो क्यूरियम डायबिटिक्स फ्यूरोसमाइड। ठीक है, एंटा सीट सोडियम ब्रोंग बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सपोर्टिव मैनेजमेंट, मेंटेन एडवोकेट हाइड एडवोकेट हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीबायोटिक्स टू रिड्यूस फीवर। ठीक है, उसको एंटीबायोटिक हम देंगे ताकि उसका फीवर रिड्यूस हो सके। ठीक है, मेंटेन्स एडमिनिस्ट्रेशन एंटीपायरेटिक्स टू रिड्यूस फीवर, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, नो निपल और गेवेज ब्लीडिंग, इंक्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड चेंज ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट असिस्मेंट, हिस्टोरी टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉन्स स्कोर। ठीक है, और इसमें हम हिस्टोरी टेकिंग में हम पेशेंट का हिस्टोरी लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे, हाइट करेंगे, उसका चेस्ट सरकमफेरेंस करेंगे, हेड सरकमफेरेंस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस, इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू सर्फेक्टेंट डिफिशेंसी एंड एल्वोलर इंस्टेबिलिटी, बैड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इम्यूनिटी, इमेच्योर पल्मोनरी फंक्शंस। ठीक है, अल्टरेट बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू प्रीमेच्योरिटी, पैटर्न पेरेंटल एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, रिस्क फॉर इंजुरी, ब्रेन इंजुरी रिलेटेड टू, ठीक है, ब्रेन इंजुरी। नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, असिस्ट प्री टर्म इन्फेंट फॉर रेस्पिरेटरी एंड जनरल स्टेटस, ऑक्सीजन सेचुरेशन, साइनोसिस, एबीजी, एक्सिलरी टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी पैटर्न, मतलब असिस्ट करेंगे हम। ठीक है, प्रीटर्म इन्फेंट को रेस्पिरेटरी उसका चेक करेंगे, जनरल स्टेटस चेक करेंगे, ऑक्सीजन और सेचुरेशन, ठीक, साइनोसिस चेक करेंगे, एबीजी लेंगे, एक्सिलरी टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी पैटर्न। ठीक है, मेंटेन एयरवे एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन 4 to 6 liters per minute, परफॉर्म जेंटल चेस्ट प्रशिक्षण, एब्रिवेशन एंड पोस्चुरेशन, पोस्चुरल रेंज बेस्ड ऑन असिस्ट नीड एंड इन्फेंट टॉलरेंस, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ हाइपरथर्मिया, फ्लसिंग, ट्रैकार्डिया, अल्टरेट लेवल ऑफ कॉन्शियस लेवल एंड हाइपोथर्मिया। प्लेस द इन्फेंट इन रेडिएंट वार्मर इंक्यूबेटर, यूज इन्वायरमेंटल कंट्रोल, वार्म क्लोथ, वार्म वॉल, वेंटिलेटेड रूम ETC फॉर डिक्रीजिंग हीट लॉस। पोजिशनिंग द इन्फेंट टू फैसिलिटेट ओपन एयरवे ऑन द साइड विथ हेड। क्यूक जेंटल सक्शनिंग नॉट मोर देन 5 seconds विथिन 5 कैथेटर्स नीडेड। ठीक है,
सक्शनिंग करेंगे हम नॉन पेशेंट को नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेंटेन्स नेचुरल थर्मल इन्वायरमेंटल टू डिक्रीज मेटाबॉलिक इक्विपमेंट एंड टू कन्वर्जन ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशन पैटर्न ऑफ इन्फेंट। ऑल्सो द वे इज ब्रीथिंग विदाउट डिस्ट्रेस एनजी फीडिंग इज स्टार्ट। बेबी को हम लोग एनजी से फीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्रीथिंग विदाउट डिस्ट्रेस ना इन्वॉल्व, मतलब जब बेबी डिस्ट्रेस में नहीं होगा तो उसको हम एनजी फीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्वॉल्व पैटर्न इन द केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्लो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंक्यूबेट। स्किन केयर विथ फ्रिक्वेंट पोजिशन चेंज। बेबी की पोजिशन कंटिन्यू हम चेंज करेंगे ताकि उसको किस तरह का बेड सोर ना हो जाए। माउथ केयर करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसका सक्शन करेंगे, माउथ केयर करेंगे कि किसी तरह का कोई म्यूकस तो नहीं आ रहा है, ठीक है। फिजिकल सपोर्ट एंड प्रोवाइड एडुकेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड्स कंडीशन, ठीक है। सो फिजियोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे एंड प्रोवाइड एडुकेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड्स कंडीशन। चाइल्ड की कंडीशन कैसी है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन में आएगा हम पैटर्न डक्टस एट्रियोसिस कंजक्टिव कार्डियक फेलियर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योर निमोनिया एंड सेप्सिस, ठीक है। थैंक यू।